Lovely to see you, everybody. Hello. जैसा देव साहब थे उनकी याद में एक मैंने सोचा जब मैं छोटा था तो रोशन क्या बताऊं 12 साल की उम्र में जब मैंने पहली पिक्चर उनकी देखी और पिक्चर का नाम था हेलो 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 डीजे वाले बाबू थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे स्टार्ट हेलो होप यू कैन हियर मी नाउ कैन यू प्रेस कैन यू हियर अस हेलो कैन यू हियर मी या ओके रोशन तो मैं कह रहा था कि 12 साल की उम्र में एक बच्चा जो इतने सालों पहले जब कुछ ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी नहीं हुआ करते थे तो कभी कभी मौका मिलता था कोई पिक्चर देखने का और वो भी कभी आपके ग्रैंडफादर ले गए या कभी कोई ले गया तो चले गए संडे को बराबर तो पहली पिक्चर जब उनकी देखी तो मैंने एक बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी को जब स्क्रीन पे देखा और उनका चलने का अंदाज भी ऐसा बहुत ज़बरदस्त क्या बात है और ऐसे रंग बिरंगे कपड़े डाले हुए और एक अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए तो मैं तो बस एकदम स्टंड रह गया सोचा कि भाई क्या बात और जब उसी उनको दोस्त नहीं मैं तो उनका बच्चा हूँ और उनका फैन था बहुत बड़ा हाँ। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मुझे अपने पास आने दिया और मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि रोशन मैं कभी उनको मिल पाऊंगा सिर्फ पर्दे पे ही देखूंगा लेकिन ऊपर वाले की और आई थिंक बड़ों की सबकी एक कहते हैं ना कि आशीर्वाद अगर आपके साथ रहे तो कुछ भी हो सकता है तो एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट कर दी कि भाई उनसे कभी मिल भी सकूंगा कि नहीं ये भी नहीं सोचा और मिल तो लिए और इस तरह से मिल लिए कि एक अभी बुक लॉन्च भी कर रहे हैं एंड मुझे जानना था कि जब फ्रेंडशिप होता है सर सो फ्रेंडशिप में बहुत सारी अंदरूनी बातें होती है जो कोई नहीं जानता जैसे ये जो मैंने किस्सा सुनाया कि ब्लैक कोट देवानंद साहब को मना किया गया था जी, क्योंकि लड़कियां फुल फ्लैट हो जाती थी कि देवानंद साहब इतने बहुत मरा करती थी उन पे क्या बात के स्टाइल पे सो जब ऐसे दोस्त लोग बैठते थे तभी वो क्या जिक्र करते थे बहुत कुछ जिक्र करते थे और जब मैं उनके साथ बैठता था तो मैं खुद भी सोचता था कि ये वही देवानंद साहब हैं जिनको मैं बड़े पर्दे पे देखता और वो हमेशा ऐसी बातें करते थे कि आपको कुछ सीखने को मिलता लड़कियां दूर दूर वो एक जिंदगी को बहुत अलग तरीके से देखते थे जो मैंने उनको देखा और बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल काइंड बहुत ही सीधे और लगता नहीं था कि ये इतने बड़े मेगा स्टार हैं जिनको दुनिया जानती है और इसीलिए वो अब तक द लेगेसी कंटिन्यूज एंड सब जानते सक्सेस स्टोरीज ऑफ देवानंद जी लेकिन मुझे जानना है कि जब वो डाउन एंड आउट मतलब अच्छा दिन नहीं रहता था या तो शूट में अच्छा समय नहीं बीतता था जी तो तब कैसे रहते थे क्योंकि यंगस्टर्स जितने भी अभी हमको देख रहे सुन रहे सो हाउ डिड ही ओवरकम फेलियर आई थिंक ही नेवर हैड द फेलियर ये बात नेवर बिलीव्ड इन फेलियर देव साहब के आगे फेलियर कुछ नहीं था वो बोलते थे फेलियर कोई नाम की चीज ही नहीं नेवर एवर थिंक ऑफ फेलियर ऑलवेज सक्सेस ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव यही है देव साहब एब्सोल्युटली वेरी ऑप्टिमिस्टिक वेरी पॉजिटिव और जिंदगी को बहुत एक अलग तरीके से जैसे मैंने बोला देखते थे और यही सोचते कि ऑलवेज कीप ऑन ड्रीमिंग वन ड्रीम लीड्स टू द अदर एंड देन द अदर क्या बात है सो ये मैंने उनसे बहुत सीखा और उसी तरह से मैंने भी ड्रीम लेने शुरू कर दिए और एक ड्रीम तो आज पूरा हो रहा है जी ये सब उनकी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मेरे ऊपर समझ लीजिए हाथ है उनका मेरे सिर पर और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी और देव साहब मेरे को लगता है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे जैसे मेरे साथ ही खड़े और बोल रहे विजय तू आ गया वो जैसे बोलते थे और मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि पूरी आनंद फैमिली मेरे सामने है प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड आप कुछ बुक के बारे में कहना चाहोगे कि क्या इस बुक में होना चाहिए थोड़ा सा देखिए मैं बुक के बारे में इतना नहीं कहूंगा क्योंकि फिर आपके पास पढ़ने के लिए कह रहे आ जाए क्या बात है तो मैं चाहूंगा कि आप ये किताब को पढ़ें क्योंकि ये मेरी छोटी सी जर्नी है जो देव साहब के साथ मैंने की और जो जैसा मैंने कहा रोशन की मैंने सोचा भी नहीं था मिलने को तो फिर मैं मिला उनके साथ काम किया
फिर एक फैमिली तरह की उनके साथ रिलेशन हुए और आज देखिए 30 साल हो गए। सुनील आनंद जी ऐसे हैं जैसे हमारे घर के हैं, बोनी आंटी सभी आनंद परिवार ऐसे है जैसे हमारा एक परिवार। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द आनंद फैमिली प्लीज। एंड ऑन दिस नोट मैं सुनील आनंद जी को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सर जी आइए सर, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। How are you, sir? Fine, thank you, Roshan. And आपको मिलके, आपको देख के हम बाहर भी मिले। And किस तरह से आप, how is the whole experience के ये जब book launch हो रहा है, किस तरह से एक legacy जो forward होती जा रही है, किस तरह से लग रहा है देव साहब? I think it's an exhilarating experience because बहुत साल पहले विजय जी ने actually जिक्र किया था कि वो एक किताब लिखना चाहते हैं डैड के ऊपर, तो मैं एकदम excited हो गया, तो मैंने उनको कहा Yes, you must do it because you know you've been so close to dad for so many years. तो फिर ये मुझे बार-बार अपडेट करते गए कि मैंने ये लिखा है, वो लिखा है, तो मैं उनको इनकरेज करता गया और फिर अचानक उनका फोन आया कि मेरी किताब रेडी है और मैं आपको मैन्यूस्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल भेजो और मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीड रीड की और मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगी। तो फिर मैंने पूछा विजय जी आप कब इसको मतलब लॉन्च करने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत ही जल्द और अभी देखिए लॉन्च हो रही है आज सारी आवाम को लॉन्च हो रहा है। विजय जी आप कुछ कहना चाहोगे एज अ के बुक के अंदर हमको क्या मिलेगा या तो एक स्पीच छोटा सा स्पीच अगर विजय जी हो जाए, अगर आप थैंक करना चाहोगे लोगों को। और मेरे को थोड़ी सी स्पीच मैंने लिखी है। यस सर, आई वुड लाइक टू रीड इट। यस सर जी। बिकॉज़ आई वांट टू थैंक some are very important, you're all very important to me here today. I want to say a few words about Dev Saab, about his family, about Sunil Anand. First of all, I want to thank all of you from the bottom of my heart that you have come here today to share with me the launch of my book on my journey with the legendary Mr. Deva Anandji, titled Dev Saab, as he was lovingly called, not just in India, but around. Dev Saab was not just a mega star or the evergreen hero, but a wonderful, wonderful human being. Down to earth, humble, kind, and loving. He was pillar of our Indian film industry, known throughout the globe for his achievements. He will no doubt inspire actors for generations and generations to come. As I said, as a 12-year-old boy growing up in a middle-class family in Delhi, I watched his film closely, watching his mannerism, his colorful dress sense, his beautiful romantic songs, and how gracefully he used to romance his hero in pehli film dekhi thi Wahida Rehman ji ke saath film Prem Pujari aur gana Shokhiyon mein gola jaye to main dekhta ekdam dang reh gaya ki how graceful this man is, how he treats his heroines. Dev Saab lived with the belief that you should never give up, never ever give up in life. And that same thought, I started my journey, bringing me here to this evening and to try my first ever book, Dev Saab, created from all of my memories and moments we shared together. I'm incredibly grateful to have Sunil Anandji as a close friend. He has given me immense support while I was writing this book. Without him, it would not have been possible. Thank you, Sunil. So kind of you. Like his father, Sunil is also very kind, humble, down-to-earth, and soft-spoken. We have known each other for so many years, experiencing many difficult, different things along the way, but throughout this entire time, he has always been very true to his character. Always helpful, incredibly modest, my family have always been very fond of him for good nature and outlook on life. I'm also deeply thankful to the Anand family here. Mona Aunty Ji, Davina Ji, Boni Aunty Ji, Dr. Madhokan family, Kohli family, Kapoor family, and upcoming actor Surya Rishi Anand. Please give him a big round of applause. I won't take you a long time. Whenever I used to sit with Dev Saab, and used to get a little upset ki Dev Saab career kahin ja nahi raha. So Dev Saab used to say to me these words, suno, main kaun hoon, jante ho,
मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, लोगों में जाता है, मिलता है, उनसे बातचीत करता है, और फिर उनसे ही कुछ निकाल के एक जर्नलिस्ट जितने भी आते हैं उनसे बातें करता हूँ, टीवी देखता हूँ, कटिंग्स निकालता हूँ पेपर से, और एक आइडिया कंसीव कर लेता हूँ और उसको पर्दे पे उतार देता हूँ। जब पिक्चर बन जाती है तो उसको थिएटर में लग जाती है और मैं एक कोने में बैठ के आराम से देखता हूँ कि लोग मज़ा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। नहीं भी ले रहे कोई बात नहीं, ले रहे हैं बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखो। और यही मैंने सीखा देव साहब से, मैंने इसीलिए किताब लिखी, आगे बढ़ते जाओ, जो भी होगा उम्मीद है आपको पसंद आएगी, नहीं भी आई तो थैंक यू वेरी मच। क्या बात, देव साहब की ब्लेसिंग मेरे साथ और हमारे सबके साथ। क्या बात, क्या लॉन्ग लिव देव साहब। देव साहब यू आर ऑलवेज हियर इन आवर हार्ट, आई फील योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच विजय जी। ऑन दिस नोट लेट्स अनवील द बुक। So, friends and family, press, it's time for Dev Saab, a journey with the legend Dev Anand to be unveiled. May I request the Anand family to be on stage? Please, all the Anand family, please come to the stage for this event. Mr. Rajkumar Saksariya ji, please come to the stage. Please, a round of applause for the Anand family. Please give a round of applause for everybody. Geeta, come to the stage, please. Can we have the books on stage, please? I would request Mr. Vijay Kumar ji to hand over the books to the dignitaries. Wow. आपको भी इस बुक की कॉपी मिल जाएगी, टेंशन मत लो प्रेस। सो इफ द प्रेस हैज एनी क्वेश्चंस वो के बुक में क्या है, किस तरह से लिखी गई है बुक, या तो इफ फ्रेंड्स एंड फैमिली वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, मिस्टर विजय कुमार जी इज योर।
If you have any questions related to the book, so Mr. Sunil Anand ji and Mr. Vijay Kumar ji are here. If you have any questions related to the book, so Mr. Sunil Anand ji and Mr. Vijay Kumar ji are here. We are open to any questions. Friends, family, we pooch sakte. Tell you one thing about my father. He was a very loving, very caring father and very concerned about his children, both of his children, me and my sister Divina. And he would ask about us just about every hour on the hour. Sunil, you know, he was that concerned. And the rest, I think you all know already. And if there are any other questions, I'm willing to answer them. Yeah. Any other questions? Press, media, friends, family. Vijay ji, actually, I want to ask you one question. Ki is book mein, book to aapne puri likh li. Lekin ek aisa hissa jisme aap usko relate karte ho, ya to ek aisa hissa jo jab hamari audience padhegi us book ko, to unko yaadgar rahega. जी, एक बहुत अच्छा किस्सा है. मैं देव साहब के साथ एक फिल्म की शूटिंग गैंगस्टर के लिए बेल्जियम में गया था. तो हम लोकेशन हंट करने जाते थे, रोज़ सुबह निकल जाते थे और रात को लेट वापस आते थे. तो उसी दौरान, उसी शूट के दौरान हमें सुनील जी ने ज्वाइन करना था वहाँ पे बेल्जियम में. मैं इसलिए ये किस्सा बता रहा हूँ कि अक्सर ये इमोशनल सीन फिल्मों में देखने के मिलते हैं, लेकिन वो मैंने असल में जो देखा देव साहब को वेरी इमोशनल. तो ऐसे ही रोज़ दिन गुजरते गए तो देव साहब मुझे कहने लगे कि विजय, सुनील ने आना था अपना कैमरे की वो सर्विस करवाने बर्लिन से, तो इधर हमें ज्वाइन करना था. तो व्हाट इज़ व्हाट्स द मैटर, अभी तक ही इज़ नॉट हियर, तो जस्ट फाइंड आउट कि क्या हो रहा है भाई. तो आई सेड देव साहब डोंट वरी, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. तो मैंने दो चार जगह फ़ोन घुमाए, नहीं पता लगा. तो देव साहब बहुत वरीड हो गए. तो बोले कि यार, लगता है कुछ गड़बड़ है. अगर मैंने अपने हाई कमीशन को फ़ोन किया तो ये मीडिया में छप जाएगा कि भाई उनका बेटा सुनील आनंद किधर है. तो मैंने कहा नहीं देव साहब, वो रहने दीजिए. आप ये बताइए कि जब सुनील जी आते थे तो कहाँ ठहरते थे? बोलते कि होटल्स में ठहरते थे, मोस्टली यूथ हॉस्टल में भी दोस्तों के साथ चले जाते थे. तो मैंने वो यूथ हॉस्टल का एक जो वर्ड था पकड़ लिया और मैंने जितने भी यूथ हॉस्टल थे बेल्जियम में सब जगह फ़ोन लगा दिए. तो यही जगह मुझे पता लगा कि सुनील जी वहाँ पर एक यूथ हॉस्टल में हैं. तो मैंने इनको कुछ नहीं कहा. तो मैंने कहा ठीक है, आप उधर हैं, आप रहिए. तो मैंने देव साहब को बोला चलिए गाड़ी में चलते हैं, आपको कुछ दिखाता हूँ. गिफ्ट, सरप्राइज है, सरप्राइज है उनके लिए. तो मैं उनको ले गया, कम से कम मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर जगह था जहाँ हमने जाना था. तो गाड़ी में गए दोनों. तो देव साहब बोले कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, तू विजय लोकेशन तो सब हो गया. मैंने कहा नहीं देव साहब, लोकेशन नहीं, आप एक और लोकेशन देखिए जो गाना भी पिक्चर्स करते. देव साहब का क्या होता था, जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो लोग रुक जा रुक जा रुक जा, यहीं पे कैमरा लगेगा, यहीं पे होगी, अभी गाना शूट होगा यहीं पे. वो जो लोकेशन पसंद आ जाती थी वहीं पे रोक देते. तो मैंने कहा देव साहब कुछ नहीं पता, कोई लोकेशन मिल जाएगी हमें रास्ते में. तो जाते गए जो यूथ हॉस्टल आ गया. तो जब आ गया तो मैंने कहा देव साहब आप बाहर बैठिए. तो मैं अंदर से सुनील जी को लेके आया. तो उन्होंने जब देखा वो सीन, जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, उनकी आँखों में नमी और ऐसे देख के गले लगे कि मैं भी इमोशनल हो गया हूँ अभी. तो वो सीन मुझे जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं. क्या बात, यू सी ऑलवेज ऑन द स्क्रीन, मतलब पिक्चरों में तो देखा होगा लेकिन रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस करना अलग ही बात. वो जो फीलिंग्स फादर वाली थी उस दिन, मैंने तो देव साहब को स्टार देखा था, लेकिन जी 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 ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं था. तो वो उसके बाद उन्होंने बोला, तभी खाली एक एहसास था जी जी, फादर और सन का, जैसे पिक्चरों में देखते हैं वो एक सीन सामने मेरे आ गया. क्या बात है, क्या बात. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देव साहब. Thank you. Any questions, press, media, friends? Yes. उसका रीजन क्या है?
सर नवकेतन बैनर का देव साहब के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आया नहीं है। यस, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म कंप्लीट की है, उसकी शूटिंग खत्म हो गई है और हम उसको जल्द ही तैयार कर रहे हैं और इस साल के पहले ये हॉलीवुड फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो जाएगी। फिल्म का नाम है बैगेटोर मिक्सर और इसको हमने अंग्रेजी में बनाई है लेकिन इसको हम हिंदी में भी डब करेंगे इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन डायस्पोरा के लिए। और ये बहुत एक्साइटिंग कहानी है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी और म्यूजिक लाजवाब होगा। इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मूवी, लुक आउट फॉर इट। और जब ये तैयार होगी हम आप सब लोगों को बुलाएंगे, गॉड विलिंग हमारा यहाँ प्रीमियर होगा, शायद दिल्ली में भी हो सकता है। और लुक आउट फॉर इट एंड वील बी इन टच विद यू। हाँ जी, थैंक यू। सो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है। सुनील जी, अगर देवानंद साहब वॉज नोन फॉर हिज एक्टिंग, नोन फॉर हिज करिश्मा, नोन फॉर हिज स्टाइल, लेकिन उनके साथ गाने भी जो भी आते थे वो अलग ही लगते थे, भले गाने, और तभी तो जोड़ी भी कुछ अलग ही थी, एसडी बर्मन साहब और देवानंद साहब की। सो अगर एक गाना आपको इतने सारे लाइब्रेरी में से एक गाना जो आप रिलेट कर सकते हो देवानंद साहब का, सो वो गाना कौन सा होगा सुनील जी? आई थिंक वो गाना, अगर आप मुझे पूछो, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, म्यूजिकली, लिरिक्स, डैड की आत्मा, उनकी थिंकिंग, उनका दिलो दिमाग और उनका लिखने का अंदाज, उनका सोचने का अंदाज, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सबसे उनका सबसे बेहतरीन गाना है फूलों के रंग से, फिल्म प्रेम पुजारी से। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल, ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट वाज, एब्सोल्युटली। आपके लिए 1000 में मेरी बहना है वो रहेगा। हर एक जो भी ऑडियंस में बैठे हैं, जो भी प्रेस में बैठे हैं, सबके लिए एक अलग अलग गाना ही होगा क्योंकि इतने सारे गाने हैं। जैसे मेरे लिए गाना होगा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बात है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड सर, आपके लिए भी कुछ कोई गाना है या तो डायलॉग? यस मैम, दैट्स, क्या बात है, क्या ऐसे ही आपको माइक दे दूं एक सेकंड? अच्छा, वाकई निभाते गए वही है देव साहब, एक एहसास है देव साहब। एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देव साहब प्लीज। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, मीडिया, फैमिली, फ्रेंड्स? यस सर, वेट, आई विल गिव यू द माइक। उनके जीवन में कभी ये स्थितियां भी आई? हाँ, उनके जीवन में कभी ये स्थिति भी आई कि फिल्म कोई एक आध फ्लैप होने के बाद वो टूटे हों? जी, मेरे से पूछ रहे हैं कि सुनील? आपसे ही पूछ रहा हूँ जी। मैंने देव साहब को कभी टूटते हुए नहीं देखा और वो इस चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते थे। फिल्म हिट हो ना हो, बोलते थे विजय मैं बनाता चला जाऊँगा, बनाता ही चला जाऊँगा, और क्योंकि मैंने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, और लोगों को पिक्चरें ही दूंगा। बहुत बढ़िया, उनका कभी दिल टूटा मैंने नहीं देखा, वेरी पॉजिटिव है हमारे बीच। मैं थैंक्स अदा करना चाहूँगा अपने सामन साहब, जो बहुत बड़े फैन हैं अपने देव साहब के भी, और केतन जी मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं, तो केतन जी प्लीज कम, से फ्यू वर्ड्स, इट विल बी एन ऑनर। राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर मिस्टर केतन जी प्लीज। दिस इज मोर एन ओकेजन फॉर द सन एंड द राइटर, बट एक चीज मुझे याद है देव साहब के बारे में। आई वॉज one of his favorite nephews, I like to pride myself on that. Ketan is my name, Nav Ketan was named after me. And he used to always have pet names for everybody. So he used to call me my Gusha guy. He used to love me, he used to pinch my cheek, he's my Gusha guy. And I remember when I met him on his 87th birthday, I went to wish him, and I said, Dev uncle, do you remember that you used to call me Gusha guy? He says, yeah, you're still my Gusha guy. So that's it, you know. That was my connection with him. He was such a loving soul, very positive, and therefore my song for him is Gaata Rahe Mera Dil. Kya baat hai, kya baat. Thank you Ketan ji, thank you. Thanks for thank you so much Ketan ji. Boni aunty, she want to say something. Please, don't Boni aunty, say something. Hamesha kehti hai, aur wahi baat hui, wo London aaye,
देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, जीवन नाम है काम का, आराम ना करो। आप लोग मानोगे नहीं, हर रोज सुबह मैं ये गीत सुनता हूँ, चार मिनट करीब 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 चार मिनट का है ये गीत। सुनने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है। 1984 से मैं ये गाना सुनता हूँ और उसके बाद ही मैं मेरी दिनचर्या शुरू करता हूँ। थैंक यू। बहुत लोगों को देव साहब ने इंस्पायर किया जिंदगी में, एंड ऐसे ही मेरे ख्याल से होते भी रहेंगे उनकी पिक्चरें देख देख। मेरा ख्याल है जितना देव साहब को गोल्डी साहब समझते थे जी, कोई नहीं समझता था जी। बहुत ही फिल्में दी उन्होंने। हाँ, और वो उनके मैनरिज्म के ही हिसाब से उनसे डायरेक्शन कर जी, बहुत ठीक एक्टिंग करवाते थे। और जो गाना उनके मैनरिज्म को सूट होता था वही लेते थे, वही लेते थे। अभी उनकी फिल्में देखी अच्छी अच्छी, तेरे मेरे सपने थी, कमाल करते थे। उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी और सुपर डुपर हिट थी, गोल्डी साहब और देव साहब की। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। और ठीक है ना जी, बहुत बहुत ठीक कहा, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, मेरे को एक सौभाग्य मिला था और वो ये था कि मैंने गोल्डी साहब की भी पिक्चरें देखी थी, चेतन साहब की भी, और देव साहब को तो मैं दीवाना था ही। तो ये मैं थैंक्स बोनी आंटी जी को करूँगा, इनके घर में मैंने तीनों के ब्रदर के साथ बैठ के डिनर किया, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू बोनी आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच सुनील जी। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था जिन्होंने हाथ ऊपर करके नीचे कर दिया अभी। सावन जी, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर सावन जी, ये भी देवानंद साहब के बहुत ही करीबी है। नमस्कार, पहले तो मैं सुनील जी का और शुक्र अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इनवाइट किया। देव साहब का जबरदस्त फैन हूँ, देव साहब के साथ में मेरा लक है कि मैं लास्ट की फिल्म उसमें चार्जशीट में काम किया मैंने देव साहब के साथ में। तो देव साहब के साथ में बहुत नज़दीकी रिश्ता लास्ट के जो 10 साल थे उनमें रहा, बेटे जैसा प्यार किया। इसके लिए मैंने 2 गाने जो रीशूट किए देव साहब के ऊपर, सुनील जी और मैंने बॉम्बे में, मैं और जैकी ने लॉन्च किए, फिर सोलापुर में उसका प्रोग्राम किया, यूट्यूब पे है। और पूरी टीम, नवकेतन की टीम पूरी लेके मैंने वो शूट सोलापुर में किया, पिक्चराइज भी मेरे ऊपर हुआ था देव साहब के। जो ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन, ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions.